बड़े सहयोगी के तौर पर पूरी दुनिया में एक भोजपुरी माटी के गरीब परिवार का एक लड़का जो गंगा किनारे एक छोटे से घर में छोटे से परिवार में रहता था, आज पूरी दुनिया जिसको पवन सिंह के नाम से जानती है, भोजपुरी का गौरव आज भी पवन जी के लिए हमको दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे महान विभूति के लिए हम किसी काम आ सकते हैं जो मान और सम्मान हमारे भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी कल्चर को आदरणीय पवन जी ने जिस मंच तक, जिस जगह तक पहुंचाया है, उसकी कल्पना करना भी किसी के बस की बात नहीं। आरोप प्रत्यारोप सबके ऊपर है, भगवान श्री राम हो या पवन सिंह, पवन सिंह से संबंधित और भी कलाकार हो, या सार्वजनिक जीवन में कोई समाज सेवी हो, कोई सांसद हो या विधायक हो, आरोप प्रत्यारोप सबके ऊपर लगता है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, हम सबको मूल्यांकन करना चाहिए। और मूल्यांकन तब करता है आदमी कि जब समय और परिस्थितियां धीरे धीरे देखते हुए आगे हम जब बढ़ते हैं तो पीछे क्या पाया और खोया है उसका मूल्यांकन आदमी जरूर करता है। 2008 में काराकाट का प्रसीमन हुआ, 2009 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ और ये 2024 का चुनाव, ये साधारण चुनाव नहीं है, केवल काराकाट के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं। ये काराकाट के लिए कोई साधारण चुनाव नहीं है और मैं कोई साधारण व्यक्ति अपनी सारी मान प्रतिष्ठा सब कुछ काराकाट पे न्योछावर कर दिया है, इसलिए भी ये साधारण चुनाव है। बिहार की राजनीति में काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो इतिहास रहा है वो यहां प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, जितने लोग बैठे, चाहे मंच पे जो लोग बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी जरिए से समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने दिल के हाल में करके बोलिएगा कि 15 साल में क्या आपने यहाँ किसी अस्थायी नेता और अस्थायी नेतृत्व और अस्थायी विचारधारा वाले नेता को पाया है। आप वोट देते समय जरूर सोचते हैं कि आज मैं इसके चुनाव चिन्ह पे बटन दबा रहा हूं, पता नहीं कल एनडीए में रहेगा कि परसों जेडीयू में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा, एलजेडी में चला जाएगा। ना किसी नेता का अस्थायी विचारधारा रहा, ना किसी नेता का अस्थायी नेतृत्व रहा, कभी हम लोगों ने अस्थायी नेता पाया नहीं। हम लोगों ने यहां की भौगोलिक और सामाजिक और आर्थिक सारी चीजों का एक मूल्यांकन किया। आखिर पवन सिंह काराकाट से चुनाव क्यों लड़े? सारी चीज सब चीजों को देख करके सब चीजों का मूल्यांकन करते, बगल के ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा दूर के पवन सिंह रहने वाले, तो स्वाभाविक है कि उनकी भी अपनी एक टीम है। हमने भी सोचा भाई पता तो किया जाए कि हम कहां लड़ सकते हैं और कहां लड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। चुनाव लड़ लेना, सांसद बन जाना, सांसद बन करके चले जाना, ये तो उनको आसनसोल से टिकट मिला था। वो चाहते तो भाजपा का टिकट लेकर के आसनसोल से चुनाव लड़ते, जीत जाते चुनाव, चुनाव के सांसद में चले जाते। लेकिन आसनसोल बंगाल और बिहार में बड़ा फर्क है। कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं जहां मोहन जी टिकट बैक कर दिए, ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो अपने विचारधारा पवन सिंह ने नहीं बदला। पवन सिंह ने कहा है अगर मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी से नहीं लड़ूंगा तो मैं किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दल चुनाव लड़ने के लिए पवन। और ऐसा भी नहीं था, सबको पता, अब तो मीडिया में आके नेता और प्रवक्ता बोलने लगे कि पवन सिंह को हमने ऑफर दिया था, इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया था, सबने कहा था कि आइए बोलिए और हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। लेकिन जब आदमी 10 साल 15 साल एक जगह रह करके एक विचारधारा में कहीं ना कहीं कुछ करता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में बड़ा उसको कष्ट होता है। और वही कष्ट आज मैं महसूस कर रहा हूं। मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं, अपने पवन जी परम सौभाग्यशाली है कि हम बैठा हुआ प्रत्येक वोटर और जनप्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से 15 साल से जुड़ा हुआ। और कितना सौभाग्य की बात है कि राजनीतिक दल से जुड़ने के बाद भी मन में कितना कष्ट होगा कि 15 साल जिस नेता और नेतृत्व को हमने
उससे पाया क्या, और यही सोच करके इनकी पीड़ा इनका कष्ट आज पवन सिंह के लिए आशीर्वाद के रूप में काम करने जा रहा है, इसका मुझे गर्व है। पवन सिंह के ऊपर तरह तरह के मीडिया में बोलने वाले लोग हैं, कुछ भी बोल